आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जिले के अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र नडियाल जी, मैं उनका दिल की गहराइयों से सिरोही वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष धीरेन्द्र नडियाल जी, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सदस्य अभियान के प्रभारी शिशु गुप्ता जी विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया कुर्सियां आगे कर लें सारे।
हमारे मंडल के पदाधिकारी कृपा राजसिंह ठाकुर जी, आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, कृपा स्थान ग्रहण करें। प्रभारी हमारे शिशु गुप्ता जी, हमारे जिला के सचिव मुकेश शर्मा जी और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कृपा सम्मानित मंच से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मातम के लिए सभी को अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम सुजलामि पुनर्भु सुमित सिंधुतल जोई सुभाषिणी सुमधुरभाषिणी सुखदाम्बर नाम मातरम वंदे मातरम वंदे भारत माता की जय। हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री हर्षवर्धन जी को सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी श्री हर्ष महाजन। युवा मोर्चा के साथी संजय ठाकुर जी श्री हर्ष महाजन जी को सम्मानित करेंगे, शॉल टोपी और तलवार ग्रहण करेंगे संजय ठाकुर जी। श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद, श्री डीएस ठाकुर जिंदाबाद, श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मैं बोलूंगा तेरा वैभव अमर रहे माँ, आप बोलेंगे हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता की जय। अब मैं भारत माता की दोनों हाथ खड़े, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी लोजी मंडल की बैठक में जो कि हमारे सदस्य तो जो चला हुआ है दो तरीक से सदस्य अभियान के हमारे जो बैठक है आज हो रही है। हमने जो ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे इसमें जो मंडल के पदाधिकारी और जिला के बूथों के अध्यक्ष BLA पालको जिनके प्रभारी थे, तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद और पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री DS ठाकुर जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष भाई धीरज नरियाल जी,
इस सदस्यता अभियान के प्रभारी हमारे भाई छोटे शिशु गुप्ता जी, जिला के सचिव मुकेश शर्मा जी, मंडल के सभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, सभी प्रधान उप प्रधान BDC बूथों से आए हमारे बूथ अध्यक्ष BLA बूथ पालक और मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, मैं अपनी ओर से और लोजी मंडल की ओर से आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी का यहाँ सलूनी पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, हमारे लोजी विधानसभा क्षेत्र के 113 बूथ हैं और हमने जो ग्राम केंद्र जो हमारे हैं 30, और इसको जो संगठन की दृष्टि को जो हमने चार भागों में बांटा हुआ है, इसमें हमारा एक जोन 11 का जोन है, दूसरा तेलका का है और तीसरा हमारा वांगल जोन है और चौथा हमारा बनीखेत का जोन है। ऐसे करके हमने इस लोजी विधानसभा क्षेत्र को बांटा हुआ है। और जो पहली तरीक को हमारा जो मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके बाद दो तरीक को जो लॉन्च हुआ था सदस्य अभियान का काम, तो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में पिछले काल तक जो है 5,000 के आसपास जो है ऑनलाइन सदस्यता हो चुकी है और 5,000 जो है ऑफलाइन, और जो कि आज लोग अपने अपने पैड लेके यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरा सभी बूथ अध्यक्षों से निवेदन रहेगा कि आप पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, स्पेशली करी जिला और मंडल के पदाधिकारी और बूथों के अध्यक्ष, आपके ऊपर जिम्मेवारी लगाई थी हमने कि अपने अपने बूथ से हमने ऑनलाइन सदस्यता और ऑफलाइन 200 के आसपास करनी है और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को हमने 22,500 का टारगेट मिला हुआ, तो अभी 25 तक जो ये अभियान बड़ा है। तो मेरा स्पेशली बूथ अध्यक्षों से निवेदन रहेगा, क्योंकि संगठन के नाते अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो कृपया करके मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप पिछले जिस तरह से 7-8 सालों से लोजी मंडल जो फर्स्ट आता रहा था, अब जो आप इस टाइम 34 या 35 नंबर पे इस टाइम आपका जो हिमाचल प्रदेश में शो कर रहा है, तो मेरा हम चंबा में भी सबसे लास्ट थे मगर 2-3 दिन पहले आपने अच्छा काम किया, उसमें मेरा स्पेशली निवेदन रहेगा बूथ अध्यक्षों से, आप कॉपियां लेके भी आए हैं, आप मदन जी हमारे महामंत्री है या योगराज जी या मंडल के पदाधिकारी, आपसे निवेदन रहेगा कि बाय नेम जो बूथों की लिस्टें आ गई हैं कृपया करके वो जमा करवा दे। अगर कोई बूथ अध्यक्ष या BLA नहीं काम करना चाहता है, वो हमें फोनिकली बता दे, वहाँ पे किसी और की ड्यूटी लगा देंगे, क्योंकि कई बार घास का काम चला हुआ है के पास, इस मीटिंग के बाद आप जमा करवाएंगे। इसके बाद हमारी तेलका में बैठक है और जिला और मंडल के स्पेशली पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो साथ हमारे उस बैठक में भी जाएंगे। उसका निवेदन रहेगा बूथ अध्यक्ष BLA पालक और जो जोनों पे पदाधिकारी लगाए हैं, स्पेशली मंडल और जिला के पदाधिकारी, क्योंकि सबकी ड्यूटी लगाई हुई है कि 3-3, 4-4 बूथ आपको दिए हुए हैं, तो कृपया करके आप 24 या 25 तक कॉपियां जो ले आए कंप्लीट करके वो जमा करवा दें, और आप अगले 2-4 दिन में उन कॉपियों को भी, अगर ऑनलाइन जो हो गया ऑफलाइन। तेलका क्षेत्र की ओर हमने एक मीटिंग की, उसके बाद ये चौथी बैठक जो है 2 तारीख के बाद होने जा रही है। हम लोगों ने यहाँ पे जो मेंबरशिप के पैड आए थे, 900 कुछ पैड जो थे, हमने अपने बूथ अध्यक्ष BLA बूथ पालक तक पहुँचाने का जो ये कार्य पैड बनने का वो पूर्ण हो चुका है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा जिनको मेंबरशिप के जो पैड दिए गए हैं, अगर वो पूर्ण हो चुके हैं तो कृपया करके उसको मंडल में जमा करवा दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ऑफलाइन जो है मेंबरशिप की गई है। ये मेंबरशिप ऑफलाइन तभी हमारे खाते में जुड़ेगी जब हम इसको मंडल स्तर पे जमा करवाएंगे और मंडल के लोग जिसको है एक एक्सेल शीट पे भर करके पेन ड्राइव में डाल करके जिला में जमा करवाएंगे, और जिला के बाद ये शिमला जाएंगे और शिमला के बाद ये दिल्ली जा करके जितने ऑफलाइन लोग होंगे उनको जो है मेंबरशिप का नंबर दिया जाएगा। अगर हम आज कल करते रहे तो हमारा जो ऑफलाइन का डाटा है वो ऐड नहीं होगा, क्यों पीछे भी हमने जब ये वर्कशॉप की थी तो एक शिकायत आई थी कि भाई एक घर में अगर एक मोबाइल है तो 4 लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो उनकी मेंबरशिप कैसी की जाएगी। तो हमने बताया था कि एक आदमी जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा, उसके बाद उसके जो मेंबर 4 मेंबर हैं उसको पैड में लिख करके उसका मेंबरशिप जो जिसके पास मोबाइल है उसका मेंबरशिप डाला नंबर डाला जाएगा, उसके आगे जो है PP करके 4 लोगों के जो है उनके मोबाइल नंबर सेम डाल करके उनको एंट्री की जाएगी, क्योंकि एक के बाद जो 4 लोग हैं वो भी उनको भी मेंबरशिप का नंबर दिया जाएगा, वो ऑफलाइन किए जाएंगे। विजय जी ने अभी बताया कि 3,000 लोगों की हमने ऑफलाइन मेंबरशिप कर दी है,
मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा दो दिन पहले का डाटा हमारे पास आया था उसमें जलोजी विधानसभा में 4790 जो है ऑनलाइन मेंबरशिप हुई है। 3 दिन के अंदर 1211 लोग जो है ऑनलाइन जोड़े गए हैं। ये उछाल तो हमें पर डे का चाहिए, हमें जो अगर मेंबरशिप 22,000 तक हमने पहुंचानी है तो पर डे का आज के बाद हमें 1.5 या 2,000 लोग पीछे है। अभी पीछे हमने 2 दिन मीटिंग की तो उसमें ये कहा गया कि विधायक मोदे जो है वो J&K में उनकी ड्यूटी लगी है, इस कारण से हमारे कुछ लोग जिला के और मंडल के लोग भी उसमें गए होते, लेकिन आज सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आप सभी से आशा करूँगा कि आप 2-3 दिन के अंदर इसको जो है 11-12,000 तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जिला चंबा में डलहौजी मंडल एक ऐसा मंडल है जो हर कार्य को पूर्ण करने में नंबर 1 रहा है। पिछला कोई भी रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई भी अभियान आया हो तो नंबर 1 पे डलहौजी मंडल रहा है। इस कड़ी को आप तोड़ेंगे नहीं, इसको आप आगे जारी रखेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, क्योंकि मंडल अध्यक्ष का अकेले का काम नहीं है, ये सभी हमारे जितने बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उन सभी का कार्य है। यहाँ जितने पदाधिकारी बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि साइंस संगठन के जो हमारे चुनाव हैं वो दिसंबर में द्वारा से हों, उन्हीं लोगों को संगठन में लिया जाएगा जो लोग 100 मेंबर जो है वो अपने पूर्ण करेंगे। अगर 100 लोग जो है अपने साथ नहीं जोड़ेंगे उनको एक्टिव मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। इस बार एक्टिव मेंबरशिप जो है वो लिस्टें जो है वो प्रदेश स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से आएंगी। 25 तारीख तक जितने भी एक्टिव मेंबर बनाए जाएंगे उनकी लिस्टें मंडल स्तर तक पहुंच जाएंगी। जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे बूथ अध्यक्ष BLA बूथ पालक और हमारे ग्राम केंद्र प्रमुख, उनके लिए खास कर ये सूचना है कि 25 तक वो 100-100 लोग अपने साथ जोड़े। पहले विधायक मोदे DS ठाकुर जी बोलते नहीं इसको ये बना दो इसको ये बना दो, इस बार ये नहीं होगा। जो आदमी 100 लोग जोड़ेगा उसी को ही पद दिया जाएगा। ये आपको मैं एक पूर्ण बात बता रहा हूं, पहले होता था ठीक है इसको ये बना दो इसको ये बना दो, इस बार नहीं होगा, ना मेरे हाथ में होगा ना ठाकुर साहब के हाथ में होगा। फिर ये मत बोलना कि हमें ये लोग रह गए हैं। आ जाइए, अब मैं हमारे आज के हमारे विधायक DS ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि अपने मार्गदर्शन करें। श्री विधायक DS ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जरा दोनों हाथ खड़े करके महान साहब दिल्ली से बड़ी बड़ी योजना लाएंगे हमारे लिए, सड़क स्वास्थ्य शिक्षा, जरा जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के सदस्यता अभियान के हमारे मुख्य अतिथि आदर के योग्य माननीय पूर्व में रहे प्रदेश सरकार में मंत्री, वर्तमान में हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष विजय जी, महामंत्री मदन जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष भाई धीरज दयाल जी, हमारे सदस्यता अभियान के प्रभारी श्रीमान शिशु गुप्ता जी, मुकेश शर्मा जी हमारे जिला के सचिव, फारूक भट्ट जी हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष, शाहिद जी हमारे अल्पसंख्यक के डलहौजी मंडल के अध्यक्ष, केशव ठाकुर जी हमारे पार्टी के मुख्य सलाहकार, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सलाहकार, हमारे यहाँ स्थानीय प्रधान भाई मान सिंह जी, उप प्रधान अनु जी, हमारे बड़े भाई अभिषेक जी, हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे चंबा से हमारे भाई राज सिंह ठाकुर जी, जिया दयाल जी हमारे पूर्व में प्रधान और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष, हमारे BDC के वाई चेयरमैन भाई विनोद जी, BDC के पूर्व में रहे चेयरमैन और मंडल के उपाध्यक्ष भाई योग जी,
मंडल के प्रवीण जी, रजिंदर जी, पटियाल जी और बीडीसी के हमारी सदस्य बहन कृष्णा जी, बीडीसी की सदस्य बहन उर्मल जी, चैनलाल जी, किसी का नाम छूट गया तो क्षमा करने, हमारे पूर्व में इन्होंने अपना कीमती समय दिया है सदस्यता अभियान को लेकर। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली से पीछे दिल्ली थे, फिर शिमला में काफ़ी व्यस्तता रहती है और जिला चंबा था इनका अपना गृह क्षेत्र है और ये 5 दिन जिला चंबा में हर विधानसभा में अपना इन्होंने प्रोग्राम दिया है और काफ़ी दूरदार का क्षेत्र है। मान साहब तो खुद यहाँ चंबा का इन्होंने लंबे समय से यहाँ का नेतृत्व करते आ रहे हैं। अब राज्यसभा में भी हमारी चंबा की आवाज़ जो गूंजेगी और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि चंबा हमारा काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ हमारी सड़कों की काफ़ी दयनीय हालत है। मैं इनसे बात कर रहा था अभी रास्ते में आते आते कि बाथरी सुंडला लंगेरा रोड जो है वर्ल्ड बैंक में इसकी स्वीकृति मिली है, अब DPR तैयार हो रही है तो अब जल्दी हम इस सड़क का काम शुरू करवा देंगे तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा सलोनी वाला क्षेत्र काफ़ी विकसित होगा। इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जो भी यहाँ परमिशन मिली है इसके कागजात दीजिए और मैं तुरंत इसके ऊपर काम करूँगा और साथ में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से हमारा काफ़ी एरिया जो है खूबसूरत है पदवी जो तक, तो मैं मांझी जी से निवेदन करूँगा कि हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप दिल्ली से एक बड़ा पैकेज हमें देंगे ताकि हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आज तो ये बैठक जो है सदस्यता अभियान को लेके है तो पूर्व के हमारे वक्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने विस्तार में जानकारी दी और 15 दिन तो हो गए हैं इस अभियान को चले हुए तो थोड़े टाइम है, मांझी जी से निवेदन करूँगा हमें एक्सटेंड किया जाए क्योंकि थोड़ा दूर दार का क्षेत्र है, मेले हमारे यहाँ काफ़ी होते हैं और मनमहेश का नहन भी था इसलिए थोड़ी व्यवस्था सभी आगे मेलों में जाते रहे, मनमहेश के नहन में गए थे तो अब जो है सभी इस कार्यक्रम में जुट जाएंगे। ऑनलाइन सदस्यता हर बूथ के 200-200 जो है हमारे न्यू मेंबर सदस्य बनेंगे। मोदी जी ने दिल्ली से अभियान को हमें दिया है क्योंकि मोदी जी दिल्ली बैठ के भी हमारी चिंता करते हैं। ये तो बड़ा छोटा अभियान है कि भाई हमने एक हफ्ता अपने बूथ पे लगाना और 200 मेंबर जो हैं हमने बनाने हैं, जहाँ पे सिग्नल कम है तो वहाँ पे ऑफलाइन जो अपने मायने रसीदें मिली हैं उस पे आप उनके नाम, पता, टेलीफोन नंबर वो भर दें तो बड़ा ज़्यादा काम नहीं है। मोदी जी ने तो दिल्ली से बैठ के ही, मैं आपको डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो 4500 घर जो है उन्होंने सेंक्शन किए हैं और 65,000 किस्तें भी कल पड़ गई हैं तो मोदी जी के जरा जोरदार ताली हो जाए और साथ में 2000 के किस्त जो है किसान सम्मान निधि भी आपके खाते में आ गई है तो कितनी चिंता करते हैं हमारी। तो हम उनके जो योजना चलाई गई है सदस्यता अभियान, हम रात दिन थोड़ा इस सदस्यता अभियान के ऊपर ध्यान दें और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो छूट गए हैं वो कंप्लीट करें। मैं आज इस मन से आदर के योग्य महाजन साहब को आश्वासन दिलाऊंगा कि हम बड़ी जल्दी जो है इस अभियान को पूरा करेंगे। जो सदस्यता 22,000 तक हमें दी है उसको हम प्लस 1,000 प्लस करेंगे, 22 से 23 तक करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब आज 4 जोन हैं हमारे इस जोन की बैठक का, क्यारो और सलोनी की यहाँ आज सदस्यता अभियान की होगी, इसके बाद दूसरी तेलका जोन की है और तीसरी जो है शेरपुर में बनीखेत जोन की है। तो अलग अलग जोन वाइज की है ताकि आने जाने की कठिनाई ना हो, नज़दीक रहें और अपने इस सदस्यता अभियान को आप जो हैं जल्दी कंप्लीट करें ताकि जिला चंबा में हम प्रथम स्थान पर आएँ क्योंकि संगठन की दृष्टि से जो भी हमें प्रदेश के अध्यक्ष जी की ओर से हमें कार्यक्रम मिलते हैं तो उसमें हम डलहौजी प्रथम स्थान पे आता है, पर अब हम थोड़े से पीछे चले हुए हैं। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि ऑनलाइन सदस्यता अभियान जो है उसको आप अपने अपने बूथ, अपने अपने क्षेत्र में जो अपना बूथ है उसमें आप करिए, जहाँ पर सिग्नल कम है वहाँ ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन पर्ची भर दीजिए, उसको हम एक्सेल शीट पे चढ़ा के जल्दी जिला को भेजेंगे, जिला वाले दिल्ली भेजेंगे तो हमारे इस लॉजिक कंसिस्टेंसी के साथ हमारी वो संख्या जुड़ जाएगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग
इस कार्यक्रम में, जैसे ही आज कार्यक्रम समाप्त होगा, जिन जिन की नहीं हुई है यहीं बैठ के करिए और उसके बाद अपने अपने बूथ पे करें। मुझे पूरा आप पे विश्वास है, जिस तरह से आपने आज हमारे माननीय हर्ष महाजन जी का आपने यहाँ स्वागतम किया, जोरदार स्वागतम किया, काम भी पड़ा हुआ है, आजकल फसलों का काम है, घास कटाई का भी काम है, उसके बावजूद भी आप इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मान साहब जी को सुनने आए हैं, मैं ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा और एक बार मैं फिर दिल की गहराइयों से मान साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज यहाँ सलोनी में आए, यहाँ हमारे लोगों के बीच में आए और इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और जब चुनाव थे 2022 में तब यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, उसमें भी हमारे साहब जी का हमें मार्गदर्शन मिला था, आदरणीय नड्डा जी भी यहाँ आए थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था और आपने 10,000 से ये सीट जिता के हिमाचल की विधानसभा में कमल का फूल खिलाया है, इसलिए मैं आपका विशेष तौर पर भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग दिन रात जो है पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो भी आपके बाकी छोटे मोटे काम होते हैं आपके साथ मैं मिलता जुलता रहता हूँ, कोई अगर कहीं भूल हो गई हो तो क्षमा करें, कई बार टेलीफोन भी व्यस्तता के कारण नहीं उठा पाते तो कई बार हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, तो ऐसी निराशगी दूर करें। आज तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आज तो कार्यक्रम के बाद तेल का जाना है, पर आप लोगों के बीच में दोबारा फिर आके जो भी आपकी यहाँ की सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा की कमियाँ हैं उसको पूरा करवाने में हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे और महाजन साहब का भी हम इसमें सहयोग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डुला जी। एसपीओ यूनियन जो महाजन साहब को सम्मानित करेंगे, कृपया आगे आ जाए। एसपीओ यूनियन के जेएंडके वाले जो मिलता 18,000 जो मिलता 6,000 चांदी के बराबर बराबर है ना जी, डिमांड और हरियाणा वाला जो भी मारेगा नहीं थोड़ा सा हरियाणा भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान माननीय धीरू जी और हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे डी एस ठाकुर जी, ब्लॉक के अध्यक्ष, सारी इन्होंने टीम, इन्होंने ऑफिस बेयरर और हमारे पंचायतों का आए प्रधान उप प्रधान और हमारे बी एल ओ और जोड़े हमारे एक्टिव मैंबर न और हमारे बैंड और भाइयों है तो बड़े ना नाँ लेंदे लेंदे भी स्पीच नहीं जाने, ये सारे हमारे माधो आप बैठे दिन और तुसी हमारी जनता जी लोकप्रिय जनता है। पहले तो मैं तुसे जो मुबारक देना चाहता कि तुसी डी एस ठाकुर जो ऐसी डीट दिलाई ऐसा आदमी है जेड़ा हीरा है, गरीब कने गरीब किस कने किया करना, दयालु आदमी है, सब कने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कने चढ़ने वाला आदमी और एक आम आदमी, ये सारी तुसा लोगों की कारीगरी है, इन्हें घाटा तुम्हारी ज्यादा है। ये सबका बड़ी गल है, मैं नड्डा साहब कने आया था ना जब तुम्हारी इतने रैली हुई थी तो नड्डा साहब भी बड़े खुश हुए कि सलूनी आया हुआ है इतनी हाइट से और इतना पिछड़ा इलाका था, बादल क्यार दियूर दियूर और सारा इलाका मैं दिखी सकिया, तो उसमें तो बड़ी भारी जनता थी आई दुनिया भर थी और उस टाइम मैं एमपी भी नहीं था, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने मैं जो किस्मत अजमाई मेरी तो एमपी भी बनी है ना, ये तुम्हारे लोगों की कृपा है सारी। जब पार्टी इतना कुछ दिंदी ना असर होगा जो तो इन्हें कने हमारी जनता का मान सम्मान बढ़ता है ना, और सबका बड़ी गल है बाकी तुम्हारे कने तो मिलना ही था, ये भी मकसद था, दूसरा मकसद था
कि हमारी पार्टी कल परसों में हिमगिरी था, हिमगिरी का कल बुरबार था, आज तुम्हारे भी चलूनी है और पता नहीं कुछ दी चले दिन जिते जिसे बोल के पार्टी पीछे जाना। तो हमारा ये जरा टाइम यूज करना ना असी कि सदस्य अभियान इस बारी जरूरी क्यों है। देखो पहले तो गल ये है कि सदस्य सदस्य जड़े मेरे पुराने थे ना, जी ये बैठे दे सारे पर पिछले वाले तुसी बैठे दे, ये रद्द हो चुकी है, ये खत्म है। अब सारे ने नई तरह का बनना है और इस बड़ी बड़ी हाईटेक मतलब टेक्निकॉलोजी च मोदी तक ये पुजनी कि कौन कौन हमारा एक्टिव मेंबर है और कौन कौन नहीं है। एक बड़ा बड़ा कंप्यूटर जड़ा उत्थे लाया ना दिल्ली, अब ये संपर्क हमारा हिमाचल कने ब्लॉक कने हमारा बीएलओ कने हमारे एक्टिव मेंबर कने ये सारा कॉन्टैक्ट उन्हों का होना। कल जो तुसें जो शिकायत है कोई इलाके की शिकायत है, कोई डीएसटी की शिकायत है कि विधायक की भी हो जाती ना कई दफा, तो यह सारी कंप्यूटर पर ही होनी और तो समझो सारा उत्थे दा लिंक आना जी पेशी होनी ना। मैं बर्चे पवारी 2014 तो ऐड ही हो ना, पर अवे अज शुरू का की मैंबरशिप और मुझे तो बड़ी खुशी है। मैं तो हैरान हो गया वो दसिया रीरू कितने हो ग्रा कितने घर मिले। पहले तो समझो भी मुबारक की गल दसदा किश्ता जुड़ गई और तुम्हारी पंचायत सलूनी ची 287 घर आई है, ठीक है ना। तो ये किसी के थ्रू नहीं आए, मोदी जी ने अपने आप ऐप से भेजे। ता ही तो मैं बोलता कि सदस्य सदस्य अभियान का क्या फायदा है, उत्थे चयनित किए उन्होंने दिल्ली का सारे हुए और किसी वीडियो के थ्रू नहीं आए, वो सीधे उन्होंने खाते च पे जिन्हें उन्होंने बैंक अकाउंट था। ये पता कितना बढ़ता पैसा तुम्हारे सलूनी ब्लॉक का 71 करोड़ 56 लाख बंदा है एक ब्लॉक का ही है ना। इसके अलावा जो हमारे किसान लोग है उन्होंने तो 2000 अलग है, वार्तालाप डायरेक्ट हो सकती। कल जो सर्वे होना तुम्हारा कि तुसा दे एम पी ने क्या काम किया, तुसी दसना कि इत्थे आया ही नहीं या आया तो उन्हें कमाया भी कि नहीं कमाया। कल जो एम एल ए की टिकट वास्ते वो भी सर्वे तुम्हारे का होना है ना, इसलिए अभियान जरूरी है। अवे सर असी बीच लिंक नहीं रहना, असी तो काम ही करना है, पर अवे सारा अभियान डायरैक्ट उत्थे का होना है दिल्ली का। ये गल है दिल्ली च भी दिखी सकते, स्टेट वाले भी दिखी सकते, हमारा बूथ पालक भी दिखी सकता, हमारा MLA भी दिखी सकता, हमारे ऑफिस मेरे जितने बैठे सब ऐप खोल ही सकते जेडे सारा ऐप करें जुड़ गए। और सबका बड़ी गल जिन्हें किसी ने बूथ अध्यक्ष बनना है, किसी ने BLO बनना है, अभी नए शरीक बनने ना, किसी ने ऑफिस मेरे बनना है, तो उस जो 200 प्राइमरी मेंबरशिप करना जरूरी है। ऑनलाइन करो करे कापी भरो, क्योंकि वो जिनी 200 कीती दी होनी उन्हीं अगे बूथ अध्यक्ष बनना, जिनी अगे 200 कीती दी होनी वही हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष होने,
जिन्हें इसका कन्या ऑफिस पे दे वही बनने, बाकी तो असी कोई अपने जाति बनाई देंगे तो वो नहीं चलने। इसलिए हमारे वास्ते ये जरूरी है कि अभियान च असी हिस्सा लैन और अपने पार्टी के हाथ जड़े मजबूत करन। पार्टी तुम्हारे पीछे लगी दी कि पावर तू समझो देना चाहते, अभी तुसी पावर लो ना, जो तुसी रिकमेंड करना कर जो, कोई घर की गल है कि कुछ किसी गलत मिली गया ये भी तुसी उस पोर्टल पर पाई सकते, कोई हकदार है वह भी पोर्टल च पाई सकते। ये सारी चीज़ा जितनी भी विभागों की जड़ी समीक्षा है या उसकी किसी भी काम कराने का है, ये सारा पोर्टल पर होना, क्योंकि अभी दुनिया एडवांस है ना होंगी, असी तो होइए अभी बुढ़े ही, तो बाकी जी है ये जरा काम है ना, ये कंप्यूटर वाला एक फोन वाला, अभी तो फोन तो घरे घरे है, हर बच्चे का फोन है, हर मुंडे का फोन है, घर च एक फोन तो है ही है ना, तो उसका उसका जिया ही नहीं धीरू ने दसिया तो समझो कि इन्होंने तुसी मैंबरशिप करनी है और किया मैंबरशिप करनी है, ऑनलाइन तुसी अपनी भी कर सकते और अपने अपने पोर्टल का अपने उसका तुसी 200 मैंबरशिप करानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि डी एस ठाकुर जी दे और इन्होंने सहयोगियों करें तुसी सारे कने मिली के नंबर वन डोलॉजी होना चाहिए और होना है, ये तो अभी सारी हेल्प करने जो तैयार उइया भी बिच आदमी रहेंगे, तो इस वास्ते मैं तुम्हारे बीच आया। बाकी तो मैं तुसें दसा ना सुपुट सरकार का तो बट्टा बेही गया था, जी अपनी सुपुट सरकार है उसका बट्टा बेही गया था, ना मुलाजमा जो तनखा ना पेंशनर जो पेंशन, कोई बोलिया 5 तरीक देनी 10 जी ला लेन पे दे है ना, वो चो आंदा ही नहीं करना काम तो करना क्या, सवाए जुड़ते बोलते ही नहीं है ना। मेरे कन्ने तो उन्हें कई साल काम किया पर जितना लेवल है ना उसका सोचने का वह मुझे पता कितना है, तो ही दलाले बने। अब यह है कि डिवेलपमेंट के काम बन, कल था मुझे एक उम्मीद था एक्सीडेंट थे, वो तो बोलता जी मेरे का तो लाइबिलिटी इतनी होगी 2800 करोड़ की लाइबिलिटी पर मॉड डिविजन की होगी, जोड़ा पैसा नहीं लोगा जो मिले जिन्होंने वर्क ऑर्डर ले दे थे, वो सारे वर्क ऑर्डर या तो कागजी नहीं थे बनाए थे, इं वर्क ऑर्डर देंदे रहे है ना, और वो सारा अभी लेनी थी देनी पी है लोगों का, वो काम भी करवाया और पेमेंट भी नहीं हुई। तो इस सरकार का तो अभी जितनी जल्दी छुटकारा आऊँगा उतना ही ठीक है, जो असा जो आस है वो मोदी जी का ही है, जिया कल आए परसों आए, अभी नवी नवी स्कीम तुम्हारे मोबाइल ची पी जानी है, उस तुसी फिट होंगे तो वो जी उ चाइनी तो ही जाना, उत्थे एक 7 स्टोरी की बिल्डिंग, 7 स्टोरी की बिल्डिंग दिल्ली च हमारे कोई 2000 आदमी बैठते उत्थे, जड़ा ये तुम्हारा डाटा जड़ा है ना ये फीड करने जो ये जड़ा है तुसी बीजे कर दे मोबाइल नंबर अपना और जड़ा तुसी मेंबरशिप ने कर दे इन वास्ते। अभी मेंबरशिप है ना ये तो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने कर दे अच्छी गल है ना, तो भेदभाव असी कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, प्रचार ही करते रहते गलत, जिन्हें जो अपनी होंगी ना पहली राजनीति चमकानी है तो प्रचार ही गलत कर रहे हैं, इतने नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसा, क्यों डी एस इतने नहीं होना चाहिए ठाकुर साहब, इतने नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा, ना ही शिकायत होनी चाहिए। अब मैं दिल्ली बहनता ना, अब मेरे का 6 साल दी है मेरी टर्म, 6 साल में दिल्ली बहना और शिमला भी आना है, तुम्हारे बीच भी आना है, तो इसलिए जो भी है मेरे कहीं साफ गल करनी, कोई किसी ने डरना नहीं, असी मैं अपनी नीति का भी पैसे दे सकता, जी सांसद नहीं भी होंगी हमारी बड़ी होंगी, मैं चंबे का पहला आदमी है जड़ सांसद बनया, मैं चंबे वास्ते बनया ना। श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद, श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद, श्री हर्ष महाजन जिंदाबाद। तो मैं सांसद चंबे वास्ते बनया ना, तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चंबे का ही दिखना, अभी हर साल में जो 5 करोड़ मिलते
शायद अभी उसको बधाई कर दस कर देंगे तो मजे मजे होने जो तुम देना असी दे देना जरा चाइनीज जरा ठीक है एस्टीमेट बढ़ाई के देंगा ठाकुर साहब जो देंगे इन्हें साइन करांगा मेरे काम में मैं कर दूंगा कोई च हमारे तो कोई भेदभाव है ही नहीं ऊपर नीचे हमारे वास्ते सब एक है हमारा पहले भी इतिहास ही रहा अभी भी इतिहास ही है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हो के तुम्हारी सेवा करती हूँ और मेरी गल सुनी मैं तो तुम मुझे फोन करो चाहे व्हाट्सएप करो चाहे मैं शिमले हुआ चाहे दिल्ली हुआ कुते भी हुआ किसी की हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है किसी जाड़ी अब नड्डा साहब का ही हेल्थ मिनिस्ट्री है तो फट उत्थे इलाज हो जाता फ्री सारा जड़ा है ना ये हमारे इलाके च जागृति आनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट नंबर वन डिस्ट्रिक्ट कौन होना नंबर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन होनी डलहौजी ये करना तुसी बहुत बहुत धन्यवाद तुसी स्वागत किया और मैं तुम्हारा आभारी है कि तुसी हमारे स्पीच जो सुनना हमारी गलबात जो सुनना सारे बारे पार्टी के एक्टिव मैंबर आए थे बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद थैंक यू Thank you.
क्षेत्र श्री धीरज नरियाल जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री विनीत विज जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार सिलारिया तथा यहाँ पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथि, सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से कि वो सभी हमारे महाविद्यालय में पधारे। आप सभी का हमारे महाविद्यालय में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हृदय से आपका राहों में फूल बिछाते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का मैं छोटा सा परिचय कराना चाहूंगी कि आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री देशराज महाजन के सुपुत्र हैं। आपका जन्म 12 दिसंबर 1955 ईस्वी को चंबा में हुआ था और सन 1971 ईस्वी में सेंट एडवर्ड स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। तत्पश्चात श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली विश्वविद्यालय से बी कॉम तथा MBA की पढ़ाई की। आप 1986 से 1995 तक राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके पश्चात सर्वप्रथम नवंबर 1993 ईस्वी में, तत्पश्चात 1998 और 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। आप 1994 से 1998 ईस्वी तक पशुपालन एवं मत्स्य कैबिनेट मंत्री रहे। आप अंग्रेजी और हिंदी के अच्छे वक्ता हैं। 28 सितंबर 2022 को आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तत्पश्चात 27 फरवरी 2024 को आप हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ और मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार सिलारिया को आप औपचारिक स्वागत के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो अगर मंच पर आए। महाजन जी, सम्मानित सांसद हिमाचल प्रदेश श्री डी एस ठाकुर जी, माननीय लोकप्रिय विधायक डलहौजी विधानसभा क्षेत्र श्री धीरज नरियाल जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय विनीत बीजी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री राशिद मलिक जी कार्यकर्ता, दिनेश जी पीटी अध्यक्ष, श्रीमती बिमला जी पीटी उपाध्यक्ष एवं समस्त गण्यमान्य अतिथिगण, आप सभी का हमारे इस कॉलेज में पधारने पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। देने के लिए अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और ऋणी हैं। महोदय, मैं आपको बता दूं कि इस महाविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई थी। मुट्ठी भर छात्रों के साथ आरंभ हुआ ये महाविद्यालय आज 300 से अधिक छात्र छात्राओं को कला और वाणिज्य संकायों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। सर, इस महाविद्यालय में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिसके लिए आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पढ़ रहे छात्रों में से 70% से ज़्यादा छात्राएं हैं सर, और उनके लिए ये हमारे लिए इस पूरे एरिया के लिए गर्व की बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको ये पूरा चित्रित करता है। सर, इन ये कई बच्चे तो ऐसे हैं जो दो दो घंटे का पैदल सफर करके महाविद्यालय तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा सर कि उनके लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ की जाए और साथ में यहाँ जो पढ़ाने वाले और कर्मचारी हैं सर यहाँ सभी, उनके लिए आवास की बहुत ज्यादा दिक्कत है सर, तो उसके लिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उनके लिए भी स्टाफ क्वार्टर का इंतजाम इस दूर दराज के क्षेत्र में किया जाए ताकि यहाँ आने वाला जो भी अधिकारी कर्मचारी आए वो अपनी सेवाएं अच्छे ढंग से दे सके सर। साथ में
आपसे हम एक और प्रयास अपेक्षा करते हैं सर, कि जो आदरणीय ठाकुर साहब ने ब्रजेश ठाकुर जी के विषय को विधानसभा में बहुत जोर शोर से उठाया था, जिसकी वजह से 2016 से लंबित 8 ब्लॉक हमें हैंडओवर हुआ और वहां अभी सर एक दो दिन में बस सीसीटीवी कैमरेज का काम चला हुआ है, कुछ एक इंटरनल एडजस्टमेंट है उनको करना है, उसके बाद हमारी क्लासेस वहां शिफ्ट हो जाएंगी। इन्होंने जो भी प्रयास किए हैं सर, उसी श्रृंखला में आपसे भी हमारा निवेदन और अपेक्षा है कि आप ये जो दो मांगे हमारी है, बच्चों का हॉस्टल एक और हमारे यहाँ अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ आते हैं सर सेवा करने के लिए, उनके लिए स्टाफ क्वार्टर की अगर व्यवस्था की जाए तो आपके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर महेंद्र कुमार सलारिया से निवेदन करूंगी कि वो आदरणीय हर्ष महाजन जी को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। ठाकुर को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करें। पार्टी को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करें। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि ये जो हमारा काम धेनु चेयर है इसका ऑफिशियल लॉन्च करें। आमंत्रित करना चाहूंगी उस शख्सियत को जो चंबा की वादियों में पले बढ़े और इस क्षेत्र से राज्यसभा की दहलीज पर दस्तक देने वाले पहले व्यक्ति हैं। हिमाचल प्रदेश के विकास का जो स्वप्न उनके पिता ने देखा था, आजीवन उस स्वप्न को साकार करने में लगा दिया, जो विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक अपने ओजस्वी वक्तव्यों से जाने जाते हैं। सर आपका स्वागत करती हूँ कि आप अपने ओजस्वी आशीर्वचनों से हमारे पूरे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को और हम सभी को अभिभूत करें। हमारे प्रिंसिपल सलारिया जी और यहाँ की फैकल्टी के सभी मेंबर, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री टी एस ठाकुर जी, हमारे धीरू जी नरियाल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, और यहाँ उपस्थित सभी ऑफिस बेयरर्स आरिफ जी हैं, राज सिंह ठाकुर जी हैं, बीज जी हैं, राशिद जी हैं, और सभी हमारे साथ जो आए हुए लोग हैं और प्यारे बच्चों और प्यारे हमारे साथी जो पीछे बैठे हैं, मेरे बॉयज़ अब आजकल पीछे की लाइन होगी, क्या चक्कर हो गया है, अब बॉयज़ पीछे पीछे होते हैं। और मेरे को तो बड़ी खुशी है कि सलारिया जी ने जब मेरे को बताया कि 70% बच्चे जो यहाँ हैं वो छात्राएं हैं, इससे बढ़िया ज्ञान कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा जो आपके पेरेंट्स हैं ना, इससे बड़ा योगदान कोई नहीं दे सकते कि आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और सलूनी जैसी जगह में आपके हार से, लंगेरा से, नीचे से जवाए हुए हैं, उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। शिक्षा का ज्ञान जो है ये सबसे महान ज्ञान है,
और इस पे जब ज्ञान हो जाएगा तो आप कहीं लाइफ में मार नहीं खाओगे और कहीं भी आपको सामना करना पड़ेगा कंपटीशन में, जॉब्स में, इस चीज़ पढ़ा तो इसीलिए है ना, ये ना बच्चे कि आपके जॉब मिले, आपके नौकरी मिले। तो मैं तो बड़े सालों से चंबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं बधाई भी रहा, तो जनता की सेवा करते हुए मुझे कई साल हो गए, ज़्यादातर के नौजवानों की। देखो आजकल जो पढ़ाई का लेवल है ना, वो अब डिजिटाइजेशन हो रही है, जैसे आज ये सामने आपके आया है और मेरे को बड़ी खुशी है, इंडो यूरोपियन चैम्बर का आपने उद्घाटन कर दिया और इसका ध्यान भी बच्चों को मिलेगा। मैंने कभी सोच ही नहीं सकता था पहले हम यूएस हो रहे थे, पहले हमें यूएस होनी हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रयासों से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं अभी सलूनी में था, मुझे पता लगा कि इस ब्लॉक में कितने घर हैं, 4500 घर डायरेक्ट यहाँ इस ब्लॉक में आए, ये 7 करोड़ से भी अधिक राशि जो है वो डायरेक्ट अब वो उस बेनिफिशरी को गई है, किसी के ब्लॉक वीडियो के पास नहीं गई, जेई के पास नहीं गई, सीधे उसके खाते में पड़ी जो इसका जिसने इसका अप्लाई किया हुआ। तो 70 करोड़ से ज़्यादा इस ब्लॉक को डायरेक्ट मोदी जी के वहाँ से आया, और किसी को अधिकारी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, जो व्यक्ति चयनित हुए डायरेक्ट उनके खातों में गया, उनको भी पता लगा कि 1.5 लाख रुपया कहाँ से आ गया। और इसी तरह अभी किसान निधि जो डायरेक्ट आती है वो भी मोदी जी ने पिछले 2 दिन पहले ही उसका करके 2000 रुपया उसका अलग अलग चले गया किसान। अभी डिजिटाइजेशन का वक्त है, अभी हम यहाँ सलूनी में एक्चुअली मेंबरशिप ड्राइव के लिए आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव है उसके लिए आया, मुख्य उद्देश्य हमारा वो है, और इसी बात में आपके लोगों के दर्शन भी हो गए, आपसे रूबरू भी हो गए, और मेंबरशिप ड्राइव भी अब डिजिटल है, फोन पे ही है, और उसका लाभ जो है डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। अब हम भी बीच में से हट गए हैं कि भी इतना बड़ा जो वहाँ दिल्ली में 7 स्टोरी की बिल्डिंग में 2000 कंप्यूटर वाले बैठते हैं जो डिजिटाइजेशन ये कर रहे हैं, तो लाभ उन्हीं को मिल रहा है जिनको मेंबरशिप कर रहे हैं, उसमें हर चीज़ का लाभ है। तो जैसे आगे से जो स्कीमें आएंगी, आपको गाइडेंस आएगी, आपको ये जो भी पढ़ाई के आगे अवसर आएंगे, जो नौकरी के अवसर आएंगे वो सिर्फ उसमें मिल रहे हैं। अब देखो ना, जब मोदी जी कहते हैं कि हमने इकॉनमी बढ़ानी है, इकॉनमी हम 5वें नंबर पे है और हमने 3रे नंबर बढ़ाना है, उसका मतलब क्या है? जब इकॉनमी बढ़ती है देश भर की, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में भी हजारों की तरफ से आ जाते हैं। मैं तो रानो काल में हिमगिरी गया हुआ था, वहाँ का बच्चा सेलेक्ट हो गया, एक DSP और एक SDM है ना, और कई आदमी तो कैलकाटा नौकरी कर रहे हैं, कोई हैदराबाद नौकरी कर रहे हैं, और कई भी आजकल पढ़ाई का यही तो है कि पढ़ाई करके आप जहाँ भी सेलेक्ट हो वहाँ चले जाओ। और मैंने ज़्यादातर देखा है जो चंबा से बाहर लोग गए ना, वो सारे फ्लैट इशू कर गए, वो कहीं के कहीं पहुँच गए, क्योंकि हमारे पहाड़ों के लोगों की डिमांड है। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके बच्चे, आपके मेरे को बताओ कि आपके बच्चे कौन हमारी फुलफिल करते हैं कंडीशंस, कौन पढ़ाई के ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे को हिमाचल के आदमी को नौकरी देनी है, वो इसलिए कि वो सिंसियर होते हैं, वो लॉयल होते हैं, वो हमेशा जो है ऑनेस्ट होते हैं, इस चीज़ के लिए वो हमेशा डिमांड ये रहती है।
अभी हिमाचल सरकार में तो अभी भट्टा बैठ गया हुआ है। अब ये है कि उनके पास पैसा देने कोई नहीं है, उनके पास अभी पढ़ा होगा आपने तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, और इतना मिसमैनेज कर दिया हुआ है ना कि हम शायद 10-20 साल पीछे चलेंगे। अब इस वजह से मोदी जी ने अपना आपकी कांग्रेस की सरकार है ना, तो मेरे को पता किस हिसाब से काम होता है। तो जो हम काम करते हैं सेंटर से, अब उसके साथ होने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल में कुछ नहीं बनने वाला। नौकरी भी बैन, डेवलपमेंट पे बैन, पैसा तनख्वाह देने को नहीं, पैसा मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं आ रहा है कि एक आज तक नहीं कभी हुआ इसे। मैं भी हिमाचल सरकार में मंत्री रहा और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा, चेयरमैन रहा मैं कोऑपरेटिव बैंक का, तो मैंने ऐसा हाल कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतनी मिसमैनेजमेंट, ऐसे लोग आ गए हैं जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको सरकार कैसे चलानी है एक्सपीरियंस ही नहीं है। पर चलो, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ होता है, चली जाएगी ये भी। मैं समझ तो आगे जब ये जाएगी तो 10-20 साल तक दोबारा वापस नहीं आएगी। तो ये चीज़ अपना भविष्य देखना आपने, और आपने जुड़ना है हमारे साथ। और मैं आपको देखो ना, जब भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो, मेरे को चिट्ठी लिखो, चाहे मैं शिमला हूँ चाहे मैं दिल्ली बैठता हूँ पार्लियामेंट में, मैं आपको ठीक गाइड कर सकता हूँ कि क्या आपका काम बन सकता है या कि नहीं। अगर बन सकता तो कैसे बनेगा, अगर सिफारिश की जरूरत है तो सिफारिश भी करेंगे, अगर ऑनलाइन टेस्ट है वो भी, उसका भी तरीका है कैसे पेश होगा। इसलिए हमारे मेरे को समझ नहीं आई कि बॉयज इतने कम क्यों हैं, है ना, बाहर चले जाते हैं सर, बाहर चले जाते हैं तो यहाँ जब घर में सुविधा है तो बाहर जाने का फायदा नहीं। आपका इतना अच्छा फैकल्टी स्टाफ है, आप इतने अच्छे पुराने हमारे गुरु हैं, तो ऐसे जाने के बाद जरूरत ही नहीं। अपना बाहर जाएंगे तो आदत है, कुछ किसी को चिट्ठी की पड़ जाएगी, किसी को और पड़ जाएगा। आजकल ये जो पैसा बनाने का क्विक काम है ना, उसमें पड़ जाते हैं बच्चे, तो घर में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, तो परिवार के बीच रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना जो अभी तक जो आपको आपके पेरेंट्स ने पाला है, आपको कॉलेज भेजा है, अब आपकी ड्यूटी भी है कि उन पेरेंट्स की देखभाल करना। आप जो बूढ़े हो गए हैं उनका उनके लिए आप ही और कौन है, उनका फ्यूचर तो आप ही हैं, उनको तो तब खुश रहेंगे जब आप खुश रहेंगे। बच्चे खुश हो तो पेरेंट्स सारे खुश रहते हैं। मैं चंबा में पैदा हुआ है, चंबा से पढ़ के मैं कॉलेज किया, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इतना बड़ा कॉलेज जिसमें 100% से नीचे लेते नहीं हो किसी को। MBA किया मैंने, है ना, उसके बाद नौकरी भी की, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आया। तो ये चीज़ें, इतना तजर्बा हो गया, यंग एज में चले गए हम, तो अच्छा हो गया ना। हमारे पेरेंट्स ने बढ़ाया था, अब सब कुछ है, हमने अपना बिजनेस भी खोला, नौकरी भी की, अब बड़ा सदस्य अभियान भी कर रहे हैं, और जो पार्टी का हुक्म है उसमें योगदान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने आजकल जुड़ना किसी पार्टी से बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी योगी, चलो अभी मोदी जी हैं, मोदी जी ने तो 5 साल बनना है, अगर आपका मतलब होगा, फायदा होगा तो आप जुड़ेंगे। 5 साल तो वही है ना, बन गए, आगे कोई जो है, ये आपको DS ठाकुर जैसे हीरा आदमी मिले हुए हैं, साधारण आदमी है बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ऐसा विधायक शायद किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जो इतना आम आदमी से मिलजुल के रहता है, हेल्प करता है, हर चीज़ की गाइडेंस करता है। हमारे को भी तंग करते हैं कि ये करो जी, वो करो, वही करो, और आपके कॉलेज के लिए जो आपने मेरे आगे रखा है, इसमें पूरा योगदान होगा। मैं जो आपका, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक भी बैकवर्ड है, अगर छात्राओं के लिए हम हॉस्टल बना सके तो जमीन तो मेरे क्या है एक्स्ट्रा, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत जमीन की आती है, तो मेरे को आगे दो आप जमीन के, तो मैं उधर से
हॉस्टल का इंतजाम करूँ, बॉयज का अलग करूँगा, गर्ल्स का अलग करूँगा, पास आउट हो जाएंगे, पर इनके छोटे भाई भी हैं, इनके बच्चे और भी हैं, उनको फायदा हो जाएगा। चलो ये बात है, तो इसको ज्यादा ना बोलते हुए ये सोचने समझने की बात है। जो थोड़ी मैंने बातें की, ये हमारे को ये ABBP का हमारा लड़का है, ये विशाल, इसको भी मैंने समझाया, अभी मैंने इससे बात भी की है, इससे बातचीत करके आप लोग सारे जो मैंने इनको डिजिटल डाउनलोड कराया है उनका इनको भी करो सारों को, इनको फायदा हो जाएगा, है ना, हमारे से जुड़ेंगे, DS ठाकुर से जुड़ेंगे, आगे मोदी जी की जो भी स्कीम्स आएंगी उसका फायदा उठा सके, नौकरी की एडवर्टीजमेंट आएगी उसी की आएगी, है ना, तो ये सारा चीज़ का फायदा उठाओ। ज़्यादा न बोलते हो, मेरे को तो पता ही नहीं था कॉलेज में सलाविया जी ने इतना बड़ा फंक्शन रख दिया, आप सब बच्चों को पढ़ाई मैंने डिस्टर्ब की, तो इसका माफ करना पड़ेगा, आपका धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। Thank you.
उनको भी पटका तथा टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। इसी के साथ मेरा निवेदन रहेगा व्यासदेव ओ प्रधान ग्राम पंचायत मोड़ा जी से कि हमारे बीच में बाद हमारे सोशल मीडिया के जो यहाँ के संयोजक डलहौजी के राजेंद्र शर्मा जी से कि हमारे यहाँ शिशु गुप्ता जी जो डलहौजी विधानसभा के सदस्यता के प्रभारी हैं उन्हें भी पटका तथा टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। अब मेरा निवेदन रहेगा श्री केर सिंह जी से जो पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, हमारे बीच में हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष श्री विजय ठाकुर जी भी विराजमान है, उन्हें भी टोपी तथा पटका। अब मेरा आग्रह रहेगा श्री सुनील कुमार जो स्थानीय बूथ अध्यक्ष है उनसे आग्रह रहेगा कि हमारे बीच में हमारे जिला कार्यालय सचिव श्री प्रमोद ठाकुर जी भी विराजमान है, उन्हें भी टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। आग्रह रहेगा अब मैं इस क्षेत्र की प्रमुख मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय सांसद महोदय, हमारे इस क्षेत्र की गढ़ माता जो कि यहाँ उस दो दिन पहले वहाँ पर जातर मेला हुआ है और हजारों की 20,000 के तकरीबन वहाँ पर लोगों की तादाद रहती है, वहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य अति आवश्यक है। नंबर दो, झेंडू से सगोटी तक जो PMGSY के तहत उसकी DPR बनी है पर उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो यहाँ बजोत्रा और सगोटी के लोग भी आए हुए हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि इस सड़क का निर्माण कार्य की में जो कमी आ रही है उसे भी पूरा करने की कृपा करें। तो नंबर तीन, मोटरेबल सड़क बिंदु की कितने किलोमीटर सड़क सर 5 किलोमीटर है, दूसरी गढ़वाड़ी में तो 14 किलोमीटर पर स्टेप बाई जीप बने तो दो दो तीन तीन किलोमीटर तक जीप एबल बने तो बहुत अच्छे। तो मेरा नंबर तीन यहाँ पर मोटरेबल सड़क बिंदु की नाले से पाया धनेल सरार अटाड़ू चेवड़ा और डांगरी जो कि सलूनी की दूरी को कुल 20 किलोमीटर तेलका से पड़ती है, सलूनी की दूरी अभी 35 किलोमीटर है फिर 20 किलोमीटर पड़ती है, जीपेबल रोड बनी है, इसे भी मोटरेबल PMGSY के तहत बनवाया जाए। एक जीपेबल रोड तेलका से कोती तक जो SC के गांव है, 3-4 गांव है सर, और इन लोगों की बड़ी मांग है क्योंकि खड़ुंजे पर रोड बनी हुई है पंचायत की तरफ से, वैसे PWD के अंडर है, इसे भी पक्का करवाया जाए तो बड़ा आपका धन्यवाद होगा। नंबर चार, जीपेबल सड़क बरौला से मदरानी तक, वहां पर सर हमारे 10 महीने जो है लोग बाशिंदे वहीं रहते हैं और 2 महीने अपने नीचे घरों में रहते हैं, तो वहां पर सड़क निर्माण का कार्य अति आवश्यक है। तो पर्यटन को सर एक मांग बड़ी मांग है पर आप इसको केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे तो यहां से जो है रज्जू मार्ग मडोलू माता तक तो इसको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे यहाँ जो रोजगार है उनको भी रोजगार के कई संसाधन मिलेंगे, तो इसका निर्माण ये सामने धार पर पड़ता है मडोलू माता, यहाँ तक रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाए, गढ़ माता के लिए रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाए। गढ़ माता की एक चौंडी की घोड़ी सर वहां पर हर साल लंगर लगाते हैं, तेल का व्यापार मंडल लंगर लगाता है वहां पर, और जो लंगर कमेटी है उनकी मांग है कि वहां पर हमें एक सामुदायिक भवन की जरूरत है, तब जब बारिश होती है तो वहां पर ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है और बच्चे बेचारे हवा और बारिश में इतने ठंड से तड़पते हैं कि कोई बात बता नहीं सकता है, तो आपके समक्ष इस मांग को भी मैं रखता हूं। एक सड़क लमाला से सर जीपी बजोत्रा लमाला नीचे पंटा रोड पर पड़ा है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजोत्रा जो उसको लिंक करेगा तो यहाँ हमारी 3-4 पंचायतों को उसका भी फायदा होगा। एक मांग है सर हमारी जो चेयरमैन पर्सन यहाँ पर बैठी हुई है इनकी गांव को रोड नहीं है अभी तक, बढ़ई से लंगा और पुखरी तक, एक हमारे प्रधान जी बता गए तलाई से
बड़का पंचायत के प्रधान श्री प्रहलाद देवल जी ने बताया, तलई से कहां तक? डंडी से तलई तक ये रोड भी अति अनिवार्य है सर। तो ये मैं आपके समक्ष रखता हूँ और आप निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय ठाकुर जी से कि वे मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। तो इसको अभी आप अपने उसमें बजट का प्रावधान करवाएं। धन्यवाद सर। लोजी मंडल की बैठक में हमारे बीच हमारे राज्यसभा सांसद और पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, हमारे लोजी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी, हमारे चंबा जिला के सम्मान्य अध्यक्ष भाई धीरज जी, हमारे इस सदस्य अभियान के प्रभारी शिशु गुप्ता जी, हमारे जिला के सचिव अमू जी, बीडीसी की चेयरमैन बहन कंगना जी, भाई आरिफ शेख जी हमारे सुरगानी सिंह मेला के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा जिला के सचिव, भाई दोनों महामंत्री हमारे मंडल के मदन जी, अश्विनी जी, मंडल के उपाध्यक्ष प्रहलाद जी व सभी उपस्थित बूथों के अध्यक्ष, बूथपालक बीएलए व प्रधान उप प्रधान बीडीसी व स्वस्थ ग्राम केंद्र प्रमुख, मैं अपने तेलका जोर की जो यहाँ तेलका में हो रही है तो यहाँ पे हमने लगभग 35 के आसपास बूथों के लोग बुलाए हुए थे, बूथ अध्यक्ष बीएलए पालक और पार्टी के इलेक्टेड जो प्रधान थे उप प्रधान थे या हमारे मंडल के जिला के पदाधिकारी थे और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। आप सब के ओर से मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ और संगठन की ओर से जो सदस्य का अभियान चला हुआ है करना चाहूंगा आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी से कि वे मंच पर आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महाजन जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जो पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री धीरज दयाल जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष विजय जी, मंडल के हमारे यहाँ सदस्य के प्रभारी भाई शिशु गुप्ता जी, हमारी चेयरमैन बहन कंगना सेठी जी, हमारे मंडल के महामंत्री मदन ठाकुर जी और जिला के उपाध्यक्ष देशराज बसंत जी, हमारे मंडल के सम्माननीय महामंत्री अश्विनी शर्मा जी, श्री शोक कुमार जी प्रधान ग्राम पंचायत मोड़ा, श्री सतीश ठाकुर जी प्रधान ग्राम पंचायत सालवा, श्री प्रहलाद देवल जी प्रधान ग्राम पंचायत बाड़का और मंडल के उपाध्यक्ष, श्री व्यास देव जी उप प्रधान जी पी मोड़ा, श्री केर सिंह भाई जी पूर्व में रहे जिला परिषद के हमारे सदस्य, श्री प्रीत सिंह जी पूर्व में उप प्रधान मोड़ा, श्रीमती सविता देवी जी पूर्व प्रधान शेरी, श्री जोधाराम जी पूर्व प्रधान सालमा, श्री रजिंदर शर्मा जी संयोजक मीडिया, श्री प्रीति सिंह जी पूर्व प्रधान बजोत्रा, श्री तेज राम जी पूर्व प्रधान मोड़ा, श्री आरिफ बेग जी जो हमारे चिन्ह मेला सरवानी के अध्यक्ष हैं, श्री जे डी जी पूर्व में प्रधान ग्राम पंचायत सुरगाणी और हमारे सम्मानित मंच जिनका नाम छूट गया तो क्षमा करें, टाइम का भी अभाव है और अभी दो कार्यक्रम और हैं। हमारे सभी बूथ के अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, ग्राम केंद्र प्रमुख और पत्रकार बंधु, आज की इस बैठक में आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन। विशेष तौर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हर्ष महाजन जी का तय दिल से मैं अपनी ओर से भी और आप सभी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देके आज ये हमारी विधानसभा क्षेत्र के दौरे में है। इस सदस्यता अभियान के जिला चंबा के प्रभारी के रूप में 3 दिन से कंटिन्यू दौरे पे हैं, कल चंबा और परसों भटियात। तो इन्होंने बड़े बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम दिया
और आज जो विशेष तौर पर यह बैठक बुलाई गई है सदस्यता अभियान के ऊपर कि हर बूथ से 200-200 की सदस्यता होनी है, जहां मोबाइल नहीं चलता है वहां पर्चियों पे ऑनलाइन पर्ची भर के हफ्ते में हर बूथ से 200-200 हमारे कार्यकर्ता ऑनलाइन हो और 100-100 हमारे सक्रिय कार्यकर्ता बने। मैं आपसे अपील करता हूं कि ये हमारा दूरदार का क्षेत्र है, इसलिए हमने यही बैठक रखी माननीय महाराज जी से, हमने इनको माना। और जिस तरह से जो ये अभियान चला हुआ है सदस्यता मोदी जी के साथ जुड़ा अभियान है, बिल्कुल उन्होंने ही हर बूथ को ये टारगेट दिया है। हमारी विधानसभा के लिए 22,000 का टारगेट है जो है। अब दो तीन दिन कोई काम ना करें, सिर्फ सदस्यता के ऊपर ही अपना ध्यान दें और एक हफ्ते के बाद हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और हम जिले से पीछे हो जाएंगे। और हर अभियान जो है डलहौजी विधानसभा हमारा मंडल और हमारे जो कार्यक्रम भी था सुनवानी में, तो तीन दिन हमारे आरपी जी पूरी रौनक लगा के रखते हैं और इस बार तो उन्होंने 12 बजे का मेला जो है रात को चलाया। तो अब मेले खत्म हो गए हैं और मैं आज इस मन से मान साहब को विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोग एक हफ्ते में सारा कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो खड़ा हाथ करो सर, नहीं बड़े कम हुए, कोई जोश नहीं है, क्योंकि ये विशेष तौर पे स्पेशली ही सदस्यता अभियान के लिए आया दिल का पहुंचे। मान साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहता है, आप भली भांति जानते हैं कि 3 बार कंटिन्यू ये मंत्री रहे, अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और इस हमारे इस जिला चंबा के ऊपर इनका विशेष तौर पर आशीर्वाद रहता है। हमें भी जो भी काम होता है तो इनके माध्यम से हम करवाते हैं और मेरा इनसे निवेदन है कि आज जो इस मंच से डिमांड हमारे बसंत जी ने रखी हैं, बहुत इंटीरियर इलाका है, यहाँ सड़कों का काफ़ी मुश्किल है, जिस वजह से लोगों का घर बनाना भी मुश्किल हो जाता है और गरीब जनता है। तो महोदय जो आपके पास इन्होंने डिमांड रखी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक करके पूरा करेंगे। यहाँ गढ़ माता का मंदिर है, बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, लाखों के लोग वहाँ हर वर्ष जो है 2 दिन के उस माता के जात्र मेले में आते हैं। साथ ही G&K का एरिया है, वहाँ से भी बराबर लोग जो हैं यहाँ पहुँचते हैं। तो गढ़ माता के लिए GPP रोड होना बहुत आवश्यक है। मेरा प्रधान महोदय से निवेदन है कि इसका FRA जल्दी करिए, हम सहायता मान साहब से भी लेंगे और कुछ मैं विधायक निधि से भी करूँगा ताकि हमारे लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। दूसरा, पर्यटन के दृष्टि से ये इलाका बहुत खूबसूरत है और हमारे आदरणीय योग्य मान साहब हमारे भारत सरकार में पर्यटन के डिपार्टमेंट में ये इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, इनको इस डिपार्टमेंट के में सदस्य के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा निवेदन है, इनसे पूरी आशा है कि पर्यटन की दृष्टि से इस इलाके को ये बढ़ावा देंगे और ये केंद्र से फंड भी देंगे। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को एक बहुत बड़ा हमारी पूरे जिला चंबा को क्या डलहौजी कंस्टिट्यूंसी को, मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूंगा, 4500 घर जो है सेंक्शन हुए, अब 1,80,000 उसकी स्वीकृति हुई है, जिसका 65,000 रुपये हर खाते में पड़ गया है। आप लोग यहाँ बैठे किस किस के खाते में पड़े हाथ खड़े करोगे ना, और 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन था, उस जन्मदिन के ऊपर आपको तोहफा दिया है। और प्रधानमंत्री कितनी चिंता करते, दिल्ली से बैठकर आपकी चिंता, अब ना BDO के खाते में पैसे गए, ना सेक्रेटरी के, ना प्रधान, सीधे आपके खाते में आए। सही बात है। और प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के हर सुख दुख में, हर कार्य करने में वो आप लोगों का सहयोग करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मन से धन्यवाद करता हूँ कि हमारी विधानसभा के लिए 100 करोड़ रुपया घरों के लिए सैंक्शन कर दिया उन्होंने। तो हमें ये छोटी सा जो अभियान उन्होंने दिया है कि हर बूथ से 200 सदस्य बनाने हैं, एक्टिव मेंबर बनाने हैं, वो हम नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग 2 दिन जो है पार्टी के लिए दें। माननीय हर्ष महाजन जी इसी कार्य के लिए यहाँ आए हैं, हम इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, मैं ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा क्योंकि आप भी काफ़ी
समय से यहाँ इकट्ठे हैं, सभी को भूख भी लगी है और हमें भी लगी है। तो इसके बाद दो कार्यक्रम और हैं, उसमें भी माननीय महाजन जी ने वहाँ भी कार्यक्रम में जाना है। और मैं एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि महाजन जी इस कार्य के लिए यहाँ आए, हमें तुरंत ये कार्य पूर्ण करके प्रदेश संगठन में पहला नंबर डलहौजी कंस्टिट्यूंसी का आएगा। और 2022 अभी जो पीछे हाल में ही चुनाव हुए लोकसभा के, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को यहाँ से हमने आपने भारी बहुमत से 15,000 की बढ़त से लीड दिलाई। इसी तरह ही आप पिछले मेरे विधान जब चुनाव थे तब भी आपने लीड दिलाई और 10,000 से भारी बहुमत से जिता के आपने विधानसभा में पहुँचाया। विधानसभा के अंदर भी और बाहर में मैं आपकी ही आवाज़ रखता हूँ, सड़क की हो, शिक्षा की हो, कॉलेज की हो। अभी हमारे विधानसभा के टाइम में मैंने अपने तिलका कॉलेज की बात रखी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग की बात रखी, इनकी बिल्डिंग बनना चाहिए। और जो भी हमारे टीचर कम हैं, बजोतरा की बात हो, अपनी स्कूटी की बात हो, या हमारी सड़क, ये अपना नर्ला जुतरान की बात हो, हर विषय पर हम विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं। पर प्रदेश की आपको पता है कि जब से सरकार कांग्रेस की आई है, सब कुछ बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ब्लॉक बंद, सब कुछ बंद। तो पिछली सरकार जयराम जी की सरकार में आपको सीली यहाँ मिली, कॉलेज के लिए, भवन के लिए 5.5 करोड़ रुपया मिला, ऐसे सड़कें मिली आपको, या आपकी डंडी ये अपनी द्रेकड़ी सरार हो या थलोगा रोड हो, तो अनेकों कार्य जो है जो 5 साल में हुए हैं। पर अब जो कार्यों की गति बिल्कुल धीमी हो गई है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मान साहब के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने यहाँ डिमांड रखी है, एक बार फिर 90,000 करोड़ तो कर्जा हो गया सुखू कर, कार्य कहाँ से होगा। एक एक करके हम मानसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा करेंगे और यहाँ की पैटर्न की ओर भी थोड़ा सा अपनी दृष्टि डालेंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये हमारे बूथ अध्यक्ष हैं राजू जी, शेरी नाला से माता के मंदिर तक रोड 1.5 किलोमीटर, ये पंचायत वाले हैं, इसके एफ आर ए कर दें तो इसके लिए हम पैसे स्वीकृत कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी। आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी, जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी से कि भी मंच पर आए और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हर्ष महाजन, श्री हर्ष महाजन, भारतीय जनता पार्टी, श्री हर्ष महाजन, डी एस ठाकुर। यहाँ तेलका में इकट्ठे हुए हमारे सारे बुजुर्ग साथी, युवा साथी और माता बहना, मैं तुम्हारा धन्यवाद करदा और बड़ा अभिनंदन करदा कि तुसी आज आए और असां जो दर्शन दिते, मिलने का मौका दिता। और हमारे कन्ने तुम्हारे लोकप्रिय विधायक डी एस ठाकुर जी, धीरू निगयाल जी और सारे इन्हां दे पदाधिकारीगण और खासकर बीजेपी के जिहड़े तुसी मान लो एक्टिव मैंबर ने, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे स्वागत का। और पहली दफा है कि चंबे का कोई आदमी सांसद बने और मैं ऐसा आदमी है ना झूठ बोलना ना कोई जड़ा काम हो सकता वो करना, और मेरे काम करने की क्षमता काफी अच्छी है, रिपोर्ट कार्ड मेरा अच्छा है ना। कभी मैं इलेक्शन नहीं आ रहा, कोई भी इलेक्शन हुई असी जीत प्राप्त की, और जीत प्राप्त की काम दे वास्ते, काम करी के देना जेडे तुसी अज डिमांड रखी है, चाहे डी एस ठाकुर जी चाहे अमेरिकन, अज इकट्ठे मिली के काम करना। जिथे मैं अपनी विधायक निधि देनी MP लैड का फंड देना, उथे इन्होंने विधायक निधि देनी, जो सरकार का मोदी सरकार का सी काम कराना वो जिम्मा मेरा है ना। जी PMJSY की सरकार और यह हूँ तो इसका बड़ा एक अच्छा सिस्टम चलेगा।
कि हिमाचल सरकार तो तुझी दिखी लियो ता या बेड़ा कर गाड़े माता कने अभी प्रार्थना करो बट्टा तो फ्लैट हो गया है ना सुखू जी ते हाथ खड़े हुई गए थे ना तनख्वाह भी नहीं मिले करती ना पेंशन मिले करती और डेवलपमेंट का बजट तक ठप हो देता था ना उन्हें चिट्ठियां चली की वापस जमा कराओ हाँ वो भी वापस उते उते देरा दूरा असेंबली लड़ी गई पानी के बिल हो ये पानी के बिल फिर सारे अभी बिजली पानी ये जड़ी 10 गारंटियां देती है थे अभी उल्टा हुई गई अभी 80 देनी गारंटियां है तो ये जड़ा साहब है अभी तो जनता तंग हुई गई पूरे हिमाचल से मैं जानता ना तो थू थू है कर और तुसी सुनया ना मोदी दा लेक्चर उथे मोदी जी ने लेक्चर दिता उथे जेएनके च उथे भी उन्होंने सारा पाड़ा पड़ी दिता के हिमाचल चला तो ये इन्हें करना आज मेन गल है मैं तुम्हारे बीच क्यों आया कि समझाना आया है कि पहली गल जी हमारी मेंबरशिप है ना इस बारी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बारी बड़ा बड़ा भारी ये सिस्टम जड़ा है नया दिल्ली का शुरू होया अभी जिया 85 करोड़ दे गाड़ा है गाड़ा है ना सीधे सुमारे सुबलूनी दरवाजे कौन सी 85 करोड़ दे आए एक ही दफा और सीधे उन्हें चली गया दो हजार गया जड़ा सम्मान निधि गई ये लग गया इस अलावा जड़ी हमारे बुजुर्ग न खासकर 70 साल का ऊपर उन्हें जो इलाज अवे कुते भी इंडिया च फ्री हुई है चाहे इतने जाओ चाहे उतने जाए कोई पता नहीं तो ये तो हले पहला ही साल है हाल का मोदी सरकार का शुरू ही होया काम अगे जो प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी योजना जड़ी है ये मोदी जी हाथ च हमारा देश सुरक्षित है हमारी आबादी सुरक्षित है हमारे गरीब आदमी सुरक्षित न ये जड़ी चीज है असं जो सोचनी और समझनी पैंदी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वास्ते है स्कीम कोई हिंदुआ वास्ते थोड़ा है ये सब वास्ते है ते अभी मैं सलूनी मारे जेते कई जेड़े भाई मुसलमान थे उन्होंने भी घर निकली गए तो ऐसा कोई भड़काने की काम नहीं है असं तो सब जो इकट्ठा लेके चलना है और गल ये है कि प्रधाना जो अभी जेड़ा पैसा आया करता है या डायरेक्ट आया करता है या मनरेगा दे भी आया करता उस कोई कमी नहीं आ रही है ना अभी जेड़ा ये मेंबरशिप दा तुझे समझो कि क्या है आज का जेड़े पिछले मेंबर थे ना उन्हें दी मेंबरशिप रद्द हुई है अभी नहीं नो मेंबर आज दी डेट आज सारी मेंबरशिप है जेड़े नए सिरे का हुई करती है ना ते नए सिरे का जी इन्हें दस्या कि अभी राजीव भारद्वाज की लीड ही 16,000 थी कितनी थी 15,000 तो कम से कम 15,000 मेंबर तो इतने का बनना चाहिए ना है ना अभी ये डिजिटल करिए था मतलब मोबाइल कने भी कने कापी कने में जेडे मोबाइल जो जाने वो ठीक है जेडी डिजिटल हो जाने वो ठीक है बड़ा आसान तरीका है मिस्ड कॉल देनी उत्ते का ओटीपी आना वो बनना तुसी और तुम्हारी मेंबरशिप हो जाएगी इस मेंबरशिप कने जड़ा दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है मोदी जी ने जड़ा बनाया वो कोई 7 मंजिली है उस च 3,000 आदमी बैठते वो सिर्फ सारा दिन रात यही काम करते कुछ दिन मेंबर बनिया कुछ दा मेंबर आया करता है कुछ इलाके दा आया करता है कुछ ग्रां दा आया करता है कुछ बूथ दा आया करता है अभी जेड़ी मारी स्कीम सारी इस ची आनी है अभी जेड़ी मारी स्कीम जेड़े मोदी सरकार ने उत्थे का डायरेक्ट भेजनी है चाहे एक एक आदमी जो पता लगी जाए क्या हमारी स्कीम क्या न असन जो बेनिफिट क्या मिले करता है और असन जो अगे असी सुझाव भी दे सकते उस असी जेड़ा भी सुझाव देंगे उदा जेड़ा ना वो तो सन जवाब आना और जेड़ी वेलफेयर दी स्कीम मारियां महिला वास्ते स्कीम है कास्ट वास्ते स्कीम और ये सारी उदे बिच ही आ रही तो इस तुसी समझो कि उत्थे जड़ा मास्टर कंप्यूटर लग गया ना हमारा कोई 7-8 जिले ले ले उस दिखना भी वो मेरे वर्कर क्या बोल दे कल जो
जो एमएलए की टिकट मिलनी तो समझो ही फोन आना कि तुम्हारा एमएलए की टिकट कुछ जो चाहिए कौन योग्य व्यक्ति है कोई एमपी की टिकट आनी तो समझो सर्वे करना है कि कौन योग्य व्यक्ति है जो हमारे इस वास्ते खरा उतरगा। तो ये तो खैर मेरे वास्ते और डीएस वास्ते तो ये मुश्किल गल है ये हमारे तो ऐसी तेसी ने फेर दे होते जी तो ये जड़ा है ये तुसी ध्यान रखना कि भई ये जड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है अभी 25 तरीक तक लास्ट है ऑफिस में रुकनी बनना जो तुसी अभी सचिव न कोई जनरल सेक्रेटरी है कोई प्रधान है जिसने 200 प्राइमरी मेंबर करने उसने एक एक्टिव बनना जब एक्टिव मेंबर बनगा वो ही ऑफिस में रुक रही सकता जिन्हें 200 मेंबर बनाने ना वो ही बनना जो भी पदाधिकारी बनना हमारी पार्टी च वही बनना जिनी 200 मेंबरशिप क्लिक की थी हो तो 200 मेंबरशिप करके कल जो अहदेदार बनना तो उन्हीं बनना नहीं तो असी बनाना तो उत्थे कट हो जाना तो फिर डीएस की हाथ च नहीं धीरू के हाथ च नहीं ना मेरे हाथ च होना इसलिए इंपॉर्टेंस समझो इस मेंबरशिप की। अभी जो मैं जगह जगह डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी है तो मैं सारे कल मीमगुरी जाई गया है भरमौर जाई गया है मतलब जड़े अज तेल के आई गए अगे शेरपुर जाना है तो इसी वास्ते कि लोगों जो अहमियत पता लगे कि मेंबरशिप क्या है इसी आपू ही नहीं बनना अपने आस पड़ोस के जड़े जोड़ने ये हमारी उन्नति और तरक्की के वास्ते है ये हमारा पार्टी के वास्ते क्या चले करता क्या नहीं चले करता क्या भर्तियां होई करदी क्या नहीं होई करदी क्या पेपर लीक होई करदे क्यों होई करदे ये जड़ा है इन्होंने खाने पीने के धंधे बनाए और कुछ नहीं किया सारा माल हमारे का जाए तो बाकी नीचे सब मैं तो समझदा है कि डीएस ठाकुर जैसा आदमी हीरा आदमी है ये तो समझो बड़ा सौभाग्य मिलिया कि डीएस ठाकुर को आज तुसी चुनी जो भेजा ये साधारण आदमी है परिवार का आदमी है ये गरीबा की सेवा करता कने जड़ा तो वो तुम्हारा क्रैशर क्रुश है ना तो भी लोग लुटी ले जाते है ना ठीक है माल मोटा भी ठीक है धर्म का आदमी है ये है कि इन्हीं अभी वो चलो रानी जैसी औरत 10,000 करने टाई थी तब करता होता काम था है ना तो ना उन्हें कभी आना ना कभी बनना तो इं हाथ पैर मार दी रही जी अभी कोई क्या खरोदे बुढ़ी हुई जब कोई छोई हो अब वो जो आदत है ना पे कोई कोई है वो उतार को दी तू पठानिया रखे था उतार को रखे था ऐसा आदमी नहीं तो संज मिलना मैं भी बड़ा परखत बड़ा आदमी है मुझे पता आदमी जो दिखी के मिली के मुझे पता लग जाता ये क्या मंगता क्या चाहता ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਲ ਅਸਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਾਜੜ ਜੀ ਐ ਬੋਲਦੇ ਜਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਮ ਸਕਮ ਹੋ ਸੁ ਹਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਤੇ ਟਾਂਡਾ ਜਾਤੇ ਧੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 10 ਪੰਚਾਇਤੋਂ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਡਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਸੁਭੇ ਸਲ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਏ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸੜਕਾ ਸੁੜਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਚੰਬਾ वो टांडे मैं बीमार था भी जून में तो चंबा के 4 दिन एडमिट जाओ जी टांडा टांडा 13-14 दिन मेरा ये देखो सुई लगाए लगाए टेस्ट 5 ग्राम खून तो 3 रहा हॉस्पिटल तो मैं तो मरने वाला पर गए हमारे बच्चे बुच्चे तो कुछ याद करेंगे ये मेरी ये लिख लेनी और सच आदमी में नहीं तो मैं आपके साथ दिल्ली चलूंगा मोदी के पास जेपी नड्डा के साथ क्यों नहीं आपसे मेरी ये प्रार्थना है ये हमारी मेंबरशिप दा अभियान दा जड़ा है इसकी क्या अहमियत है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आज जोड़ी के तुम्हारे कन प्रार्थना करदा कि सारे इस मेंबरशिप वास्ते ध्यान दो जय हिंद जय भारत। कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी इन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया। अब मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के स्थानीय यहाँ आए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
माननीय विधायक लौजी विधानसभा क्षेत्र रमेश पहलवान अखाड़े के बीच में आ जाए प्रिंस पहलवान मैं यहाँ पर अपनी वाणी को दुरुस्त कर रहा हूँ श्री हर्ष महाजन जी व उनके साथ हमारे माननीय विधायक श्री बी एस ठाकुर जी दलौजी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं अपनी ओर से व समस्त स्थानीय जनता की ओर से व छिंज मेला कमेटी खेल की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगली कुश्ती गौरव अजनाला शौकी जलंधर ये पहलवान अखाड़े के बीच में आ जाए दूसरे राउंड की कुश्तियों के लिए भाई तैयार रहेंगे साजिद कलहेर विनोद सुरगाणी ये बिल्कुल तैयार रहे साजिद कलहेर विनोद सुरगाणी मनीष ग्रेल रोहित कांगड़ा ये दोनों जोड़ियों के पहलवान बिल्कुल तैयार रहे विनोद कांगड़ा सोनू बघेगढ़ विनोद कांगड़ा शरीफ चसोरगढ़ मोहनलाल तीसा भाई लगोटे पहनकर तैयार हो जाइए अनिल नौरपाल विकास दिल्ली जिन कुश्तियों के मैंने नाम पुकारे हैं जिन पहलवानों के वो पहलवान तैयार हो जाए लंगोटे पहने और तैयार हो जाए अखाड़े के अंदर आ जाइए इससे आगे आपका राउंड नहीं होगा ये ध्यान रखना आपका राउंड यहीं समाप्त हो जाएगा। हाँ जी शुरू करें सेकंड राउंड की अगली कुश्ती के पहलवान के अखाड़े में आ जाएं रोहित कांगड़ा मनीष ग्रेल रोहित कांगड़ा मनीष ग्रेल
रोहित आइए बीच में, मनीष देव, राज्यसभा सांसद श्री जी एस ठाकुर जी, माननीय विधायक लॉजिक सेक्टर श्री वीर सिंह जी आलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष श्री पवन ठाकुर जी, मंडल महामंत्री श्री प्रियंका, अपनी ओर से व कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो कि 2016 में अस्तित्व में आई थी, उसके पश्चात हमने यहाँ पर ये फिल्म मेले का आयोजन किया था, उसके पश्चात लगातार ये फिल्म मेला यहाँ पर हो रहा है। तो मैं अपनी ओर से व कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये फिल्म मेला जो है दो पंचायतों के मेल से चलता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी व ग्राम पंचायत मांडली के लोगों का सहयोग रहता है, उनके सहयोग से ही इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई मेहमानों के स्वागत में, मुख्य अतिथि के स्वागत में अपने दो शब्द पेश करें श्री उत्तम भारद्वाज। मेले की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे चंबा के बहुत ही प्यारे हर्ष महाजन जी। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। साथ ही इनके साथ हमारे माननीय इंस्पेक्टर विधायक डी एस ठाकुर जी उनके साथ मौजूद है, उनका भी यहाँ आने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही उनके साथ हमारे और भी गणमान्य लोग आए हैं, इनका भी मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जो हमारे इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो अपना कीमती समय निकाल के जो हमारे इस मेले की शोभा बढ़ाई है, एक बार फिर से मैं इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कुछ दिल की बात भी इनके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये मेला है वो दो पंचायतें मिलकर इसका आयोजन करती है, ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी और मांझली। कुछ थोड़ी सी 2016 में पहली बार इस मेले का आयोजन किया था, 8-9 सालों से हम इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक पक्की स्टेज नहीं है, जिसके कारण थोड़ी सी हमें इस स्टेज की मंच की व्यवस्था करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मुख्य अतिथि और साथ में रिया ठाकुर जी, इनका थोड़ा मैं चाहूंगा कि इनका ऐसा आशीर्वाद हमें मिल जाए कि हम इतने खुशी की बात है कि जिन्होंने जिस तरह से राज्यसभा सीट को जीता, हमारे चंबा वालों को सीना और चौड़ा कर दिया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जहां इन्होंने हाथी उनके पैर तले जमीन भी खिसक गई जिस तरह से उन्होंने अपनी सीट निकाली। ये हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है, हमारे चंबा वासियों के लिए। तो इनके समक्ष हमारी समस्त कमेटी की तरफ से एक डिमांड रहेगी कि हमें एक पक्की छत मिल जाए सर, एक मंच जो थोड़ा सा पक्का मिल जाए, क्योंकि हमें इसकी व्यवस्था करने में काफी दिक्कत आती है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा बाकी कमेटी के सदस्यों से भी, ठाकुर साहब भी हर बार इस मेले में जो मुख्य अतिथि सर आते रहे, हर बार इनका भी बड़ा सहयोग रहा है। शुरू शुरू में तो ये ग्राउंड सड़क सुविधा से वंचित था,
फिर इनके आशीर्वाद से यहाँ सड़क भी पहुंची, तो हमारे व्यापारी भाइयों को भी थोड़ी जो दिक्कतें आ रही उनको सामान ढोने में उनकी भी थोड़ी इससे समस्या से निजात मिला। साथ ही हमारा थोड़ा ग्राउंड का निमंत्रण करूंगा मंच संचालक मास्टर किशोरी लाल जी से कि वो मुख्य अतिथि के सम्मान में हमारे बैच टोपी हुआ। धन्यवाद भारद्वाज जी। तो मैं आप निवेदन करूंगा श्री गौतम भारद्वाज जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को साफा पहनाकर सम्मानित करें। पहलवान है उनका आगे श्री डीएस ठाकुर जी को साफा पहनाकर टोपी साफा पहनाकर सम्मानित करें। अगली कुश्ती के लिए मैच लगा करके भी सम्मानित करें। अगली कुश्ती के लिए पहलवान तैयार रहेंगे सनी अमृतसर हरीश बघेलगढ़। अब मैं निवेदन करूंगा कमेटी के सभी सदस्यों से कि वो हमारे स्थानीय विधायक श्री डी एस ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अमृतसर हरीश बघेलगढ़ अगली कुश्ती के लिए तैयार रहेंगे नजीर कलहेल लखविंदर अखाड़ा चक माधो से। धोनी भाई जरा साथ रहे हमारे मुख्य अतिथि जी प्रधान और इनके सारे ऑफिसर जो यहाँ उपस्थित हैं बड़े और यहाँ की प्रसिद्ध जनता और आए हुए सारे महिलाओं बच्चों और हमारे नौजवान साथी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इनको अच्छे अच्छे मैच देखने को मिले और अच्छा अच्छा कुश्ती का मेला भी है और आपके बीच में आके बहुत खुशी है हमारे को। अब पहली दफ़ा कि मैं चंबा से कोई दिल्ली में पहुंचा आदमी और चंबा डिस्ट्रिक्ट का आदमी हो तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जिस तरह हमारी कार्यशाली रही हम हमेशा जनता के बीच में रहने की कोशिश करेंगे और जनता की समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे और योगदान देंगे और वोट के लिए पढ़ के साथ मिलजुल अभी लग रहा है दंगल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, है? बहुत अच्छा मेला कमेटी ने इंतजाम किया हुआ है। मैं अपनी तरफ से मेला कमेटी को 5 लाख रुपया स्टेज के लिए देता हूं और विधायक साहब का भी स्वागत करता हूं कि इनके कर्मणों द्वारा सड़कों का काम हो गया और ये हो रहा विधायक है ऐसा आदमी कम ही मिलेगा आपको। अगली कुश्ती अनिल और विकास। बहुत बहुत आपको मुबारक अनिल नूरपुर विकास दिल्ली और बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को भी ऐसा नजारा मिला। जोरदार तालियां बजाएं उनके दीदी जी के लिए जिन्होंने हमारे चंबा वालों का सीना भी चौड़ा कर दिया दिल्ली में और साथ ही अपनी तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से जो हमें 5 लाख की राशि इन्होंने दी है जो घोषणा की है इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शादी ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हमारे बीच पहली बार राज्यसभा सांसद बैठे हैं ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इनका एक बार फिर से अपनी तरफ से कमेटी की तरफ से ग्राम पंचायत ठाकरी भट्टी और ग्राम पंचायत माजरी की तरफ से इनका स्वागत
साथ ही इनके साथ हमारे विधायक बीएस ठाकुर जी, जिनका हर बार विशेष तो रहता है इस मेले के लिए, इनका भी यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही निवेदन करूंगा कमेटी के सदस्य से कि हमारे जो इनके साथ हमारे माननीय मार्च 30 से 50 करोड़ का
हेलो